अस्सलाम वालेकुम, सो गाइस वेलकम टू केबीएल एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कि हमारे पास ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ये क्या होता है और इसमें जो डिफरेंट तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर या इसके जो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करें तो इसको हम लोग कॉन्टिन्यूस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी एक्शन या जो भी काम हो रहा होता है वो प्रोग्रेसिव वे में होता है, या आप कह सकते हैं वो कॉन्टिन्यूस होता है, जारी होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम उर्दू में फेल हाल जारी कहते हैं। मीन कि ये हमारे पास फेल हाल का एक पार्ट है या उसकी एक ब्रांच है जो जारी होता है। जारी मीन कि ये कॉन्टिन्यूस होता है, इस वजह से इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो ऑन गोइंग एक्शन जो हमारा चलता हुआ या कोई भी जो कॉन्टिन्यूस काम होता है ऑन गोइंग एक्शन उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, या जो हमारा कोई भी टेम्पररी एक्शन होता है लाइक अभी हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जो हमारा टास्क है या वो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, अकम्पलिश हो जाएगा। सो अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि हम लोग उर्दू के जुमलों में इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो हमारे पास उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग इसकी कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जुमले के आखिर में अगर रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं वगैरह आता है तो वो हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जुमले होते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी एग्जांपल्स या इसकी फॉर्मुलाई की बात करें कि हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कैसे सेंटेंसेस बिल्ड अप करते हैं या सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो इसके फॉर्मुलाई में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, एंड नेक्स्ट हम लोग लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं और उसके साथ आईएनजी को इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है ये फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म में चेंज हो जाती है, जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो ऑब्जेक्ट होता है। लास्ट जो हमारा सेंटेंस की स्ट्रक्चर या आप कह लें सेंटेंस का वर्ड होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो तीन होते हैं, एक एम होता है, एक इज होता है और एक आर होता है। अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो एम को हम लोग जस्ट जो हमारे पास आई होता है उस सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम इज की बात करें तो इसको हम लोग ही, शी, इट एंड सिंगुलर जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं या सिंगुलर नाउन होते हैं उसके लिए हम लोग इज हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। सेम लाइक दैट हमारे पास आर हेल्पिंग वर्ब होता है। आर हेल्पिंग वर्ब को हम लोग वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के लिए यूज करते हैं, जो हमारे पास प्लूरल नाउन होते हैं। सो अगर हम इससे रेलेवेंट अगर किसी एग्जांपल की बात करें कि जो हमारे पास अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आप सिंपली कह सकते हैं वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा है, अगर आप इसमें देखें तो हमारा जो सेंटेंस है उसमें खा रहा है आ रहा है से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वो हमारे पास सब्जेक्ट है तो इसकी हम ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे, ही, एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इज के साथ हम लोग ही के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज को लगाते हैं तो हम लिखेंगे ही इज, आगे खाना के लिए हम लोग लिखेंगे ईटिंग, ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड आई एन जी इसके साथ लिखेंगे तो ईटिंग हो जाएगा, ही इज ईटिंग। खाना के लिए आप लोग मील या सिंपली फूड लिख सकते हैं, ही इज ईटिंग फूड। सो अगर आप इस सेंटेंस को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, देन हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, आइदर वो इज है, आर है या एम है, देन हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एंड लास्ट पे हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। सो इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं जो इसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बिल्डअप हो सकते हैं या आप लोग बना सकते हैं। जैसे वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, वो फुटबॉल खेल रहा है, इज प्लेइंग फुटबॉल, वो बाग में जा रहा है, इज गोइंग टू गार्डन, इस तरह थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस बिल्डअप कर सकते हैं। सो इसी अरेंजमेंट को आप लोग फॉलो कीजिएगा और आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जिसमें प्रोग्रेस या आप कह सकते हैं जो कोई कंटीन्यूअस सेक्शन होता है उससे रिलेटेड हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम इससे रिलेटेड नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके नेक्स्ट हम लोग नॉट का एडिशन कर देंगे, एक वर्ड नॉट को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। लाइक हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लेंगे, देन हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे नॉट, नॉट लगाएंगे, देन हम लोग बाकी ऐसा वैसे ही लेंगे जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लेंगे प्लस आई एन जी को लेंगे एंड आगे हम उसके ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, तो ये हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट है वो बन जाएगी। जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, आप कह सकते हैं वो कॉलेज नहीं
जा रहा है, वो कॉलेज नहीं जा रहा है, तो आप सिंपली इसकी क्या लिखेंगे ट्रांसलेशन, वो के लिए हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे ही, एंड आगे है उसके लिए ही के साथ हम लोग लिखेंगे इज, ही इज, एंड आगे हम लिखेंगे नॉट, ही इज नॉट, आगे लिखेंगे जाना, जाना के लिए हम लोग लिखते हैं गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, एंड आगे हम लिखेंगे टू कॉलेज, ही इज नॉट गोइंग टू कॉलेज, या आप सिंपली कह सकते हैं वो अपना काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग हिज जॉब, या ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, एंड इसी अरेंजमेंट को फॉलो करते हो आप लोग इस सेम सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे वो खाना नहीं खा रहा है, ही इज नॉट, इसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे तो हमारे जो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाएंगे। अगर हम इससे रिलेटेड बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको जस्ट हम एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस ले आएंगे, मीन के हेल्पिंग वर्ब को हम जुमले के शुरू में ले आएंगे, तो वो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनके लास्ट पे इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे अगर हम इसकी अरेंजमेंट लिखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो हमारा होगा, एंड बाकी जो हमारी अरेंजमेंट है उसको एज सच वैसे लिखेंगे, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, एंड आगे हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, आगे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर इससे रिलेटेड हम कोई एग्जाम्पल लिखें तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, क्या वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, क्या वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो आप सिंपली इसकी क्या लिखेंगे, इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, यहाँ पे भी आप लोग लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अगर हम इस सेंटेंस की आपके साथ ट्रांसलेशन की बात करें तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, क्या वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो इसके लिए आप लोग सिंपली हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि हम लोग ही के साथ इज को यूज करते हैं, इज, आगे वो के लिए हम लिखेंगे ही इज ही, आगे हम लिखेंगे नॉट है, अगर आप नॉट को भी साथ लेना चाहते हैं तो आप नॉट लिखें, इज ही नॉट, नमाज पढ़ने के लिए हम लोग लिखते हैं ऑफरिंग, इज ही नॉट ऑफरिंग, आगे आप लिखें द, इज ही नॉट ऑफरिंग द प्रेयर, इज ही नॉट ऑफरिंग द प्रेयर, एंड लास्ट पे आप लोग क्वेश्चन मार्क को ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप लोग डिफरेंट तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे क्या आप आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं, आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज टूडे, उसके बाद क्या आप बाग की सैर नहीं कर रहे हैं, आर यू नॉट वॉकिंग इन द गार्डन, या आर यू नॉट विजिटिंग द गार्डन। इस तरह आप लोग वेरियस सेंटेंसेस को बिल्डअप कर सकते हैं और आप डेली रूटीन में इजिली इंग्लिश बोल सकते हैं और फ्लुएंसी के साथ जरूर इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आप इसकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते हैं और डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। गाइज ये आज की वीडियो थी, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो हमें अपने फीडबैक के साथ जरूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।